साहिल नाम के लड़के नाल हुई सी लड़ाई, अंदर लड़ाई भी नहीं हुई, पता नहीं उन्होंने की गल हुई, तो वो अंदर गया बच्चा रोटी खा के हाथ धोन वास्ते, वह मुंडिया ने बच्चे के उत्ते हमला कर दिता। सूए मारे जो आवाजा सुनिया तो साढ़े भी बच्चे, मेरा भी बेटा चला गया चेतन, बोबी भी चला गया, उन्होंने बचाए, जिदा उन्होंने बचाने लगे उन्होंने उन्होंने भी हमला करता। जेल च साडे बच्चे नूं कोई हमी जमी हो गई, जिम्मेवार है साडे बच्चे नूं कुछ नहीं होना चाहिए। लुधियाणा के केंद्रीय जेल अक्सर ही सुर्खियां दे विच रहिंदी है। ताजा मामला देर रात दा है, जदों रोटी दे समय कैदी आपस दे विच भिड़ गए। मामला होरना कैदियां वल्लों कीते हमले दा दस्या जा रहा। पीड़ित परिवार दा कहना है कि उन्हां दे बच्चियां ते जेल विच बंद कुछ कैदियां दे वल्लों हमला कीता गया, जो कि अमृतसर दे रहण वाले दस्से जा रहे ने। इत्थों तक कि जो छुड़वाउण आए उन्हां ते वी तेज धार हथियार नाल हमला कीता गया। इस मौके परिवारिक मैंबरां दा कहना है कि जदों ओह अपने बच्चियां नूं मिलण लई जेल दे विच गए तां उन्हां नूं पता लग्गिया कि उन्हां दे बच्चियां नूं हस्पताल ले जाया गया, तां उन्हां ने जेल प्रशासन ते सवाल खड़े कीते अते कहा कि इस दी जांच होनी चाहीदी है। मेरा नाम किशोर कई है जी, पावादास भारतीय वाल्मीकि तरसा डिस्ट्रिक्ट पैड़ियां। अस्पताल में आए हो, क्या हुआ है की हुआ मामला पूरा? मामला झगड़े दा ही दस्सिया वा भी सानूं फोन गया सीगा भी इदां इदां इतों ही किसी ने किया वा कि कोई बंदे जानते थे साहिल भी तो बेटे के इधर का भी सन का पता नहीं सगा, तो हूँ जाके पता लगे भी कोई अमृतसर के मुंडे है पांच सत्त उन्होंने कोई झगड़ा होया तो इन्होंने छुड़ाया छुड़ाया। उस तो बाद रात को पता नहीं रोटी रोटी खाने लगे मुड़ के हाथ धोन गया साहिल, उत्थे इन्होंने जाने के घेर लिया। हमला सूए किए जी, मैं एक हैरानगी है मैनू भी एक जेल के सूए किदा पहुँच गए, हथियार किदा पहुँच जाते हैं समझ नहीं आती मैनू। बेटे का नाम साहिल कही है जी, उम्र होना 20 प्लस होना। लड़ाई झगड़ा ही तुहानू पता भी पुलिस झूठा भी तो सच्चा भी सब बिल्कुल जी। साडी निगाह दे विच तां मेरे हिसाब नाल मैं अपने वालों कह रहा वा भी जेलां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, नौजवान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बच्चे की कंडीशन है, लेके आए थोड़े नाल गलबात हुई कोई तुम दस्सिया कुछ? गलबात बस हौली हौली कर रहे जी, उत्थे सूए मारे है। मैं तो यह हैरान है भी वह सूए आए कितों, जेल के अफसरों जो जो मुलाजम है अंदर उन्होंने आप पुछते पुछिए भी ये सूए हथियार कितों कितने चले गए। बच्चा फिलहाल तो अंदर ही है जी, ना साडी घर की रोटी खान देंगे, बच्चे भुखे जेलों सवेरे 9 बजे कढ़ देंगे, रात को 6 बजे अंदर वाड़ते हैं। उन्होंने कोई फर्ज नहीं कि असं अपनी जिम्मेवारी ने कुछ खवाइए बच्चों, जेलों में लैके जाने रोटियां खवान बच्चों। नहीं जी, साहिल नाम के लड़के नाल हुई सी लड़ाई, अंदर लड़ाई भी नहीं हुई, पता नहीं उन्होंने की गल हुई, वो अंदर गया बच्चा रोटी खा के हाथ धोन वास्ते, वो मुंडिया ने बच्चे के उत्ते हमला कर दिता। सूए मारे जो आवाजा सुनिया तो साढ़े भी बच्चे, मेरा भी बेटा चला गया चेतन, बोबी भी चला गया, उन्होंने बचाए, जिदा उन्होंने बचाने लगे उन्होंने उन्होंने भी हमला करता। उन्होंने भी देखो सूए मारे, तुम देख लो की हाल उन्होंने होया आ, कल रात के बैठे हुए इन्होंने अज लैके आए हैं जानकारी, असं तो मुलाकात करना आए थे जी, साडे बच्चे की मुलाकात नहीं हुई, सानू बाहरों पता लग गया भी अंदर लड़ाई हुई है, फिर असं ड्योढ़ी में आए हैं, ड्योढ़ी से पता किया, सानू कुछ नहीं पता सी साडे बच्चों ने की कुछ होया रात को, इतने के बच्चों को कुछ भी हो जूगा, कौन जिम्मेवार आ? हूँ भी साडे बच्चों कुछ भी हो गया, जेल जिम्मेवार है जी, साडे बच्चों का सुरक्षा घर है जी, यह जिम्मेवार है, जेल च साडे बच्चों कोई हमी जमी हो गई, तो यह जिम्मेवार है साडे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चों पुलिस ने इस मामले संबंधी जानकारी दिंदिया के कुछ कहा, आओ जानते हां। सर आज किस मामले में लेके आए? सर हमें नहीं पता, हम तो स्कूटी में थे, स्कूटी है।
ये कहाँ से लेके आए आप? किधरों लेके आए हो? कहाँ से लेके आए? सर लुधियाना जेल से ले। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चेहरा चोट है क्या? नहीं कोई चोट नहीं, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल थी। नहीं कोई गैंग वार कुछ नहीं हुआ। एवन मीडिया ले लुधियाना तो दिव्यांशु भंडारी की विशेष रिपोर्ट।